वेलकम टू बहु रानी किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बहु रानी किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत मजे की और शानदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कबाब की रेसिपी, जो बहुत सिंपल है और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो किचन में आम यूज होते हैं। आप देख सकते हैं कितने मजे के हैं, कितने सॉफ्ट कबाब हैं और कितने ही लजीज लग रहे हैं। चलें बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और मेरे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। चलें मजीद बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये 4 से 5 अदद भड़ी प्याज है, ये 1.5 ब्रेस्ट पीस है, ग्रीन चिली है, गार्लिक है और ये अदरक है 2 पीस। जो लहसुन है वो आप 1.5 पोथी ले लें लहसुन। ये जी ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, फाइन बिल्कुल होना चाहिए। ये सूखा धनिया है, भुना हुआ, पिसा हुआ, ये भी बिल्कुल फाइन होना चाहिए। ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च, इसको हम लोग अक्सर दरदर मिर्च भी कहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। ये है ब्रेड के 3 स्लाइस हैं और उनको मैंने क्रम्स बना लिया है। ये नमक है, 2 टेबलस्पून नमक है, आप हस्बे जायका अपना नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये दही है, 3 से 4 चम्मच दही है। ये पिसी हुई लाल मिर्च है और ये गरम मसाला है 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच है, गरम मसाला भी 1 चम्मच है। ये कोयला है स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, कोयले को गर्म करके हम बाद में स्मोकी फ्लेवर देंगे। ये चपली कबाब मसाला है। और एक और बात कि अक्सर घरों में चॉपर नहीं होता, जैसे कि मेरे पास चॉपर मौजूद नहीं है, तो मैं घर पे किस तरह से चॉप करूँगी अदरक लहसुन प्याज और ये हरी मिर्चों को, आपको ये ज़रूर बताऊँगी। और ब्रेस्ट पीस का हम कीमा घर पे कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हमने ब्रेस्ट पीस का घर पे कीमा बनाना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल जो हमारे घर पर मशीन होती है, ये मसाला पीसने वाली मशीन सब घरों में मौजूद होती है। इसके अंदर हम लोगों ने ब्रेस्ट पीस जो है, इसके अंदर हम लोगों ने कीमा बनाना है और हम लोगों ने इस ब्रेस्ट पीस के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ जो कि बहुत अहम है। जब हम लोग चिकन को वॉश करते हैं, आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के सिरका 2 से 3 चम्मच डाल दें। इससे एक तो चिकन धुलता बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, और दूसरा ये कि चिकन के जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं वो सारे जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ओके, अब हम इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे ताकि इजीली जो है वो इसका कीमा बन जाए। चॉपर अक्सर घरों में नहीं भी होता भी, तो इसका फिर हल यही है कि अगर आप इसको जूसर मशीन के अंदर, हम लोग जिसके अंदर जूस वगैरह बनाते हैं उसके अंदर डालोगे, उसमें भी कीमा बन जाएगा। कीमा बनाने की कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। इस तरह हम सारे ब्रेस्ट पीस का छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ओके गाइस, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारे ब्रेस्ट पीस के जो हैं छोटे छोटे पीस कर लिए। अब आप इसको लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, डिब्बी के अंदर डालेंगे ये ब्रेस्ट पीस के 2 से 3 टुकड़े। इसे अगर ज़्यादा डालेंगे तो मशीन पर ज़ोर ज़्यादा डलेगा, जो कि सही नहीं है, मशीन ख़राब हो सकती है। थोड़ा थोड़ा करके कर लें, टाइम ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। अब इसको बंद कर दें। ये देखिए बिल्कुल फाइन कीमा बन चुका है, ज़बरदस्त कबाबों के लिए। इसी तरह आप सारे ब्रेस्ट पीस का कीमा रेडी कर लें और इसको फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डालेंगे। ओके जी, आप ये अब देख सकते हैं कि जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी है। ये सारा कीमा जो, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उस तरीके से ही सारा किया है रेडी कीमा। अब हम लोग करेंगे चॉप प्याज, अदरक लहसुन और साथ हरी मिर्चें। प्याज डालिए, अदरक लहसुन डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, वॉश कर लिएगा प्लीज। और जो ये प्याज है ये सारा नहीं डालना, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है।
ये देखिए डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा डालने से मशीन पे ज़ोर ज़्यादा डलेगा तो वो जो है मशीन ख़राब कर सकती है। पानी थोड़ा सा डालेंगे जिससे हम लोगों को ग्राइंड करने में आसानी होगी। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हुआ है ग्राइंड। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत बारीक भी नहीं ग्राइंड करना, और बहुत मोटा भी नहीं, हल्का हल्का सा दरदरा टाइप इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह हम ये बाकी का सारा प्याज भी ग्राइंड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो ये वो था प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इनको मैंने ग्राइंड किया था। इनको मैंने एक कपड़े में डाल के सारा पानी ड्रेन कर लिया है। ये ऑयल है और ये सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ये दही और ये चपली कबाब मसाला। नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई और ब्रांड है तो और ब्रांड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये हम जो मटेरियल इसमें डाल देंगे कीमे में, चिकन के कीमे में, ये सारे मसाले जार भी हम इसमें डाल देंगे। ये दही इसमें डाल देंगे। दही से जो है ना कबाब सॉफ्ट बनते हैं बहुत, उसमें हार्डनेस नहीं होती। ये हम लोग ये क्रम्स डाल देंगे और ये हमने एंड पे डाल दिया कबाब मसाला, तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाले हैं और ये 2 चम्मच ऑयल। अच्छा, एक मैं टिप देती जाऊँ, हम इसको मिक्स करते हैं, मेरे पास इस वक्त ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, उससे फिर मिर्चें नहीं लगती हाथ पे, लेकिन अगर इन केस आपके पास ग्लव्स नहीं हो तो आप ये जो ऑयल है इसी को हाथ पे जस्ट इस तरह डाल के इस तरह से लगा लें, जैसे आप कोई लोशन लगा लें इस तरह से, इससे आपके हाथ पे मिर्चें नहीं लगेंगी। ओके, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपको नमक मिर्च अगर कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, हल्की कम ज़्यादा, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप चेक कर लें अपनी ज़ुबान की टिप पे रख के, थोड़ा सा कीमा चेक कर लें, आपको फील हो जाएगा कि क्या चीज़ की कमी है या क्या चीज़ ज़्यादा है। तो आप अपनी पहले कम ही चीज़ें रख के डालें, क्योंकि कम चीज़ का तो हल है, पर अगर ज़्यादा डल जाए तो उसका फिर हल नहीं होता। इसको अच्छे से जितना अच्छा मिक्स करेंगे अच्छा उतना ही टेस्ट आएगा, इसलिए मिक्स अच्छे से करना है। और एक तरफ चूल्हे पे कोयला रख लें, कोयले को ताकि कोयला गर्म हो जाए, उसके बाद वो गर्म कोयले को हम इसका धुआं देंगे, गर्म कोयले का इस कीमे को, ताकि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, ये अब हम कोयले का धुआं देंगे। कोयला मैंने चूल्हे पे रख के गर्म कर लिया था अच्छे से। ये बंद गोभी का पत्ता रखा है, आप प्याज भी रख सकते हैं, आप बंद गोभी का पत्ता भी रख सकते हैं, आप कोयल पेपर भी रख सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है रख सकते हैं। और इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी 2 चम्मच, 1 चम्मच ही बहुत होगा वैसे तो, डाल। इसके बाद इसको कवर कर देंगे ढक्कन देके। इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख लें आपके पास जो भी उस वक्त अवेलेबल हो, तो मैं ये रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये है पास, इस ताकि धुआं बाहर ना निकले। चलिए इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो है बोल से वो कोयला वगैरह निकाल के, तो कीमा निकाल के कबाब बनाना शुरू कर दिए थे। ये मैंने कबाब बनाए हैं। आपको कबाब के लिए एक सीख चाहिए और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है हाथ पे लगाने के लिए। हाथों का आपने खास ख्याल रखना है कि हाथ आपके साफ वॉश होने चाहिए, कोई भी काम करें लेकिन हाथ उससे पहले वॉश करें। ये देखें, ये सीख ली है, ये कीमा लिया है हमने, इसको इस तरह से चढ़ाएं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा चढ़ा दिए तो आप इसको कम कर दें।
इसको इस तरह से सेट कर लें, शेप दे दें अच्छी सी, इसको उतार लें। और ये मैंने कबाब रख दिया। इसी तरह एक और कबाब तैयार करेंगे। ये देख रहे हैं किस तरह से हम लोग इसको जोड़े हैं आपस में कबाब को सीख पे रख लगा के। ऑयल हाथ पे लगा लें, ऑयल लगाने से कबाब जो है वो बहुत अच्छा सेट होगा। ये देखें जी, ये हम लोगों ने कबाब बना के रखे हुए हैं, और ये मैंने दो आपके सामने बनाए ताकि आपको पता लगे कि कबाब किस तरह से हमने सीख पे चढ़ाने। ऑयल हाथ पे लाजमी लगाना है, ऑयल नहीं लगाएंगे तो कबाब की शेप आप अच्छी नहीं दे सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया और उसमें मैंने कबाब डाल दिए हैं। इनको थोड़ी देर पकने दें, फिर इसके साइज चेंज करिएगा। अभी इसको पकने दें। ये मैंने इनकी साइड चेंज की है और इनका देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, कबाब रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं कबाब। ओके फ्रेंड्स, ये कबाब तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। मुझे कमेंट सेक्शन में आप कुछ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके मुतालिक कुछ भी पूछ सकते हैं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।